नमस्कार, सीमास कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू के कटलेट बनाना सिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी पोहे की लेंगे। उसे हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। 10 मिनट बाद हम उसको पानी में से निकाल कर उसे हाथों से मसल लेंगे। हाथों से मसलने के बाद हम चार उबले हुए आलू लेंगे, उन्हें भी हम कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद उसमें मिला लेंगे। आलू और पोहे को मिलाने के बाद हम 2 चम्मच चावल का आटा लेंगे। इससे हमारे कटलेट बहुत क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज की लेंगे। उसके बाद हम हरी मिर्च और हरा धनिया लेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच लाल मिर्च की लेंगे, 1 चम्मच काला नमक की लेंगे, 1 चम्मच हम पिसा हुआ जीरा पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम सादा नमक की लेंगे, 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर लेंगे और स्वाद के लिए हम थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। इन सबको मिलाकर हम इसकी गोल गोल लंबी लंबी लोइयां बना लेंगे। अब आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरी ओर कढ़ाई में तेल गरम रखेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उन लोइयों को कॉर्नफ्लोर में अच्छे से लपेट कर उन्हें डीप फ्राई करेंगे और उन्हें लो मीडियम पर थोड़ा तल लेंगे। तेल में डालने के बाद हम इन्हें जल्दी से उन्हें पलटेंगे नहीं, क्योंकि वह एक तरफ से सिक जाए, और सिकने के बाद ही उन्हें पलटेंगे। और उन्हें बार बार पलटते रहेंगे और वो चारों तरफ से सिक जाए तब उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म कटलेट तैयार है। इन्हें आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।